स्टूडेंट आई एम टीचर ऑफ क्लास LKG. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी पार्ट 3. चलिए हम स्टार्ट करते हैं LKG क से ण तक वर्णमाला. हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं. ये चीज़ें हम बनाना सीख चुके हैं ऑलरेडी. अ से अनार, आ से आम, ये बड़ा है. ई से इमली, बड़ी से ई, ऊ से उल्लू, ऊ से बड़े ऊ से ऊन, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग अंगूर, अंगा खाली. चलिए आज हम ये रिवीजन है हमारा ऑलरेडी हमें आता है. अब हम बनाने जा रहे हैं का कबूतर. का कबूतर कैसे बनता है? वन स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व के साथ क्लोज कर्व. हमने इसको क्लोज कर्व कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया सब तरफ से, है ना. और फिर एक पूंछ की तरह हम बोल सकते हैं इसको, या फिर अप डाउन कर्व भी बोल सकते हैं, डाउन कर्व. इस तरीके से ये क्या बन गया? का. क्या बन गया? का. खा. खा से खरगोश. खरगोश कैसे बनेगा? टू आता है बनाना, बिल्कुल आता है. मैंने नंबर्स में 1, 2, 3, 10 करवा दिया है. टू बनाया, फिर वन स्टैंडिंग लाइन, फिर अभी कर्व देते हुए, इसको कर्व देते हुए इस तरीके से हम खा बना सकते हैं. खा को और अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए इन दोनों को जॉइंट भी कर सकते हैं. ये बन गया खा, है ना. इस तरीके से ही बना सकते हैं. थोड़ा ये बहुत स्पेस है, आपको थोड़ा पास बनाना है, लेकिन ये समझ में आए इसलिए मैंने इतना दूर दूर साफ साफ लिखा है. गा. गा के लिए वन स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन में क्लोज कर्व देते हुए, बंद करते हुए, ये बन गया गा. और फिर सेकेंड स्टैंडिंग लाइन गा. गा से गमला. घा. घा से घड़ी. घड़ी कैसे बनेगी? एक फर्स्ट उल्टा कर्व, सेकंड उल्टा कर्व, है ना. फर्स्ट उल्टा कर्व, सेकंड उल्टा कर्व, और नेक्स्ट अब लगाएंगे हम वन स्टैंडिंग लाइन. हो गया हमारा घा से घड़ी. नेक्स्ट अणा खाली. अणा कैसे बनेगा? अणा खाली बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? हमने ई बनाई है, एक स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट कर्व, सेकेंड कर्व अपोजिट, और उसमें बस कर्व हमें इस तरीके से घुमाना नहीं है, है ना. बस यहीं पर छोड़ देना है और लगा नहीं है एक बिंदी, बिंदी या फिर गोल कर्व. ये बन गया अड़ा खाली. इस तरीके से आज हमने ये 5 लेटर्स सीखे थे. जो भी है, क की लाइन पूरी कंप्लीट की थी. नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.